20 देशों तक फैले कोरोना वायरस को लेकर लगभग दुनिया के सभी देश सचेत हैं, लेकिन इसे लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही है। इसी तरह की एक अफवाह चिकन को लेकर था, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि कोरोना वायरस के कारण चिकन खाना खतरनाक है। लेकिन कोरोना वायरस के डर से चिकन खाना छोड़ चुके लोगों के लिए एक खुशखबरी भी आई है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि चिकन खाने से इस वायरस का खतरा नहीं होता। भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि चिकन खाने से किसी के शरीर पर कोरोना वायरस का असर नहीं पड़ता है। मंत्रालय का मानना है कि कुछ असामाजिक तत्व अपने फायदे के लिए न केवल पॉलिट्री कारोबारियों को भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि देश के नागरिकों को भी गुमराह कर रहे हैं। इन बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहों के कारण न केवल देश के पॉलिट्री व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है, बल्कि इस कारोबार से जुड़े देश के लाखों किसानों को भी बेवजह दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिकन उपभोक्ताओं को कोरोना वायरस की बाबत फैलाए जा रहे दुष्प्रचार की जानकारी दी जाए। उपभोक्ताओं को ये भी बताया जाए कि पोल्ट्री उत्पादों का कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। पोल्ट्री चिकन पूरी तरह सुरक्षित है। देश के समस्त चिकन उपभोक्ता निश्चिंत होकर पोल्ट्री चिकन का उपभोग कर सकते हैं। देश के नागरिक इस तरह की किसी भी मनगढ़ंत खबरों पर ध्यान ना दें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर किसी भी नागरिक या संस्था को इस पर संदेह है तो वो भारत सरकार के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकता है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर एक प्रतिनिधि मंडल ने पशुपालन मंत्री गिरिराज से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधि मंडल में आईबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर बहादुर अली, निर्देशक गुलरेज आलम और पोल्ट्री विशेषज्ञ विजय सरदाना भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने पशुपालन मंत्री को सोशल मीडिया में असामाजिक तत्वों द्वारा पोल्ट्री उपभोक्ताओं और पोल्ट्री व्यवसाय को गुमराह करने की जानकारी दी। पोल्ट्री कारोबारियों की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण से ही फैलता है। पोल्ट्री वर्ड से किसी व्यक्ति में इसका संक्रमण नहीं होता है। मंत्रालय ने इस बात की भी पुष्टि की कि विश्व भर में कोरोना वायरस का पोल्ट्री उत्पादों से कोई संदर्भ नहीं पाया गया है। मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर में पोल्ट्री वर्ड या पोल्ट्री उत्पाद से कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुआ है, इसलिए पोल्ट्री चिकन पूरी तरह सुरक्षित है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस जानलेवा बीमारी की वजह से होने वाले मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ बुधवार को ही चीन में 242 लोगों की मौत हो गई थी।